मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 5:30, नींद खुल चुकी है और आ गए किचन में लाइक एवरी अदर डे। आज बड़े दिनों बाद बनेगी अपनी ब्लैक कॉफी। ऑगी भी जग गया है, एक राउंड इसको शुशु पॉटी करा दिया है तो ये भी मजे में है। दो चार दिन से जल्दी उठ नहीं पा रहे थे, जल्दी एज इन जो ये 4-5 बजे उठते थे वो उठ नहीं पा रहे थे, बट आज थोड़ा जोर लगाया उठ गए। क्योंकि यार फिर अगर देर में उठो ना ऑफिस निकलना होता है, एडिटिंग का काम मतलब थोड़ा हौच पौच हो जाता है, तो आज उठ गए जल्दी और बस अब एडिटिंग टेबल पे बैठेंगे, कल का व्लॉग एडिट करेंगे और लेकिन सबसे पहले ब्लैक कॉफी। Later. तो दोस्तों आई हैव अपग्रेडेड टू विंडोज 11। रात में मैंने इसे डाउनलोडिंग पे लगा दिया था, सुबह तक ये इंस्टॉल हो गया था, बस एक रीस्टार्ट मारना था, सारी अपडेट्स इसने इंस्टॉल कर दी। ठीक लग रहा है, अब इसको यूज करते रहेंगे तो पता चलेगा कि चीजें क्या क्या हैं बदली इसमें। अभी तो बस इंटरफेस में थोड़ी चेंजेस दिख रहे हैं, बाकी तो सब कुछ वही है। तो इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू विंडोज। चलो भैया अब एडिटिंग का काम चालू करते हैं वरना हो जाएगा बहुत लेट। मैं अगी को टेरेस पे लेके आ गया, धूप बहुत अच्छी खासी है आज। एक्चुअली आज मैं ऑफिस नहीं गया, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, अचानक से सुबह उठा और बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, नाक वाक बहुत ज्यादा बह रही है, छींक पे छींक आई जा रही है, तो मुझे लगा चलो एक दिन आराम कर लेते हैं। धूप बहुत ज्यादा तेज है यार, आंखें ही नहीं खुल रही है धूप में, बिना चश्मे के यही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा और साइड में आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत कफ भी आ रहा है वो भी निकल रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ो यार आज स्किप कर देते हैं ऑफिस, हो सकता है थोड़ा आराम मिल जाए एक दिन में। शिल्पी कुछ कुछ बना भी रही है, कह रही है ये खाओगे पियोगे तो इंस्टेंटली आराम मिल जाएगा सर्दी वर्दी से, देखते हैं। अभी तो ऊपर आ गए हैं वेवरोगी, थोड़ा धूप खाएंगे, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो हो सकता है सर्दी अपने आप सही हो जाए, क्योंकि यार मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है ना, तो थोड़ा ऊँचा नीचा हो गया होगा यार इसलिए लग गई सर्दी। कोई बात नहीं, हो जाता है, सबके साथ होता है, ये तो कॉमन कोल्ड है, इट इज़ वेरी कॉमन। ऑगी धूप इंजॉय कर रहा है बेटू, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे आ गया ऊपर से, तो शिल्पी ने मेरे लिए बनाया है सर्दी ठीक करने की दवा बनाई है, होम मेड। क्या कहते हैं इसे शिल्पी? लापसी। तो किस चीज़ का बनता है ये? और क्या क्या बनता है इसमें बेसन के अलावा? बेसन दूध। ओके, तो ये बेसन और दूध की लापसी है, पूरा देखो भर के दिया है इसने मेरे को, बोला ये पी लोगे तो सर्दी हो जाएगी छू, तो मैं इसे पीता हूँ और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। शिल्पी बना रही है क्या? मूली के परौठे अचार है, अचार के साथ खाएंगे अपन। नहीं तुम नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? तुम्हें दही और अचार नहीं मिलेगा आज। अरे सब मिलेगा। नहीं मिलेगा, ये क्यों पी रहे हो फिर? ये भी पी लूंगा और वो भी खा लूंगा। एक दिन परहेज कर लो यार, मूली के पराठे बिना अचार या दही के बटर से खाओगे? अबे हाँ नहीं मिलेंगे। है तो ये यमी, चम्मच से ऐसे फूक फूक के खाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और ये बहुत सारा है, लेकिन सच में टेस्ट बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है बेसन का हलवा टाइप खा रहे हैं। ऑगी का नाश्ता तो तैयार हो गया, मूली के पराठे खाएगा ऑगी? गर्म है इसलिए नहीं खा पा रहा है। और इनकी गलत आदत हो गई, ये सिर्फ हाथ से खा रहे हैं आजकल खाना, ज्यादा कर रहा है ना, गलत बात होगी। मुश्किल भी बेचारी फूक फूक की खिला रही है इसे। मजे आया है, स्वाद आया बेटू को? फिर बेटू अच्छा लगता है इस तरह घर के कोने में बैठ करके ऐसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। कुछ नहीं भी है हाथ में, बस नॉर्मल नाश्ता कर रहे हैं, तो भी इसी में भी एक एंजॉयमेंट है यार, है ना शिल्पी? लाइफ इन सिंपल प्लेजर्स, है ना होगी।
फ्रेंड्स मुझे जो सर्दी सुबह थी वो और बढ़ गई है, नाक से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है। अभी स्टीम लिया, स्टीम करते वक्त उसमें झंडू बाम घोल के स्टीम लिया, फिर लेकिन अभी फिर से वही अनइजीनेस हो रही है। जो बैठा हुआ हूँ बाहर वाले बेड पे, इधर लैपटॉप खुला है एडिटिंग के लिए, ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, लेटा पड़ा हुआ हूँ। और इधर शिल्पी ने लंच दे दिया है, शिल्पी उधर बैठ के लंच कर रही है, मुझसे थोड़ा दूर बैठी है, क्योंकि मैंने पहली बात तो बिस्तर घेर रखा है और दूसरी बात सर्दी जुकाम है तो थोड़ा दूरियां हैं ज़रूरी। तो फ्रेंड्स मैं दोपहर में भी इधर ही बैठा था और अभी रात के 8 बज रहे हैं, अभी मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। हालत है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब, ज़्यादा एज इन सर्दी जुकाम की वजह से इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है सब कुछ, क्या बताऊँ बस। शिल्पी ने रोटी और एग भुर्जी बना के दी है कि खा लूँ, थोड़ा गर्मी आएगा। बेचारी पूरा केयर करने में लगी हुई है शाम से, सुबह से इनफैक्ट, अपना भी काम देख रही है, ये भी सब भी देख रही है। देखो बेचारी अभी ओगी के लिए स्वेटर, पुराना स्वेटर एक निकल के आया ओगी के लिए, उसको पहना रही है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। फिलहाल मेरी हालत सही हो जाती है तो भैया अच्छी बात है, वरना कल सुबह ऑफिस से फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इरिटेटिंग सा लग रहा है सब कुछ, सर्दी जुकाम में जैसा फील होता है। खैर छोटा सा व्लॉग था, अजीब सा व्लॉग था, पता नहीं कैसा बना नहीं बना। फिलहाल तो यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, अगर यहाँ तक बने हुए मतलब पसंद आ रही है चीज़ें तो लाइक कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबा, पैसा नहीं लगता है इसमें। तो ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। मेरे को भी टेक केयर करने की ज़रूरत है, हाफ स्लीव्स की जगह फुल स्लीव्स पहनूंगा मैं। ओके बाय।